रीवा दर्शन और मैं हूं आपके साथ विजय विश्वकर्मा। रीवा दर्शन की इस खास पेशकश चुनावी बुलेटिन में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। विधानसभा चुनाव 2018 जिस घड़ी का इंतजार हम 5 सालों से कर रहे थे वो आखिरकार आ ही गई। हम सभी दर्शकों से अपील करते हैं कि वो अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्र अवश्य जाएं। इस चर्चा को आगे बढ़ाएं इसके पहले हम आपको परिचय करा देते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं रीवा के वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र तिवारी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ रीवा दर्शन के एडिटर इन चीफ जावेद अंसारी, आपका भी बहुत स्वागत, आप हमारे साथ जुड़े स्टूडियो में। हम आपके साथ आगे की चर्चा बढ़ाते हैं इसके पहले हम बात करते हैं रीवा जिले की उन 8 विधानसभा सीटों की जिन पर मतदान होने। रीवा जिले में कुल 8 विधानसभा सीट है, इसमें से 7 सामान्य है जबकि 1 रिजर्व कोटे में रखी गई है। अगर बात की जाए इन विधानसभा सीटों की तो सिरमौर 68, सेमरिया 69, त्योथर 70, मऊगंज 71, देवतलाव 72, मंदवा 73, रीवा 74, गुढ़ 75। इन सीटों पर कुल मतदाता हैं 15,84,903। ये सभी मतदाता आज मतदान करेंगे और ये 8 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों का भाग तय करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं इसके पहले जानते हैं कि आखिर रीवा में जो चुनाव हो रहे हैं इन 8 सीटों में सबसे कांटे की टक्कर किन विधानसभा में है। देखिए विजय जी, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, रीवा में 8 सीटें हैं, सबसे ज्यादा टक्कर अगर कहीं देखने में आ रही है तो वो है रीवा। रीवा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता 3 बार से मंत्री रहे राजेंद्र शुक्ल जी का गढ़ है। वहीं कांग्रेस ने इस बार भारतीय जनता पार्टी के ही पूर्व विधायक जिनकी पत्नी भी सिमरिया से विधायक थी, वो खुद जिला पंचायत अध्यक्ष थे, अभय मिश्रा जी को टिकट दिया है। अभय मिश्रा पिछला 3 चुनाव एक तो खुद जीते थे, उनकी पत्नी जीती, फिर वो जिला पंचायत लगातार वो भी 3 चुनाव जीते थे जी, और राजेंद्र शुक्ल जी तो लगातार जीती रहे और बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है, साथ में पीछे पीछे और कई पार्टियां भी लगी हुई हैं, लेकिन अंत अंत में आप ये देखिएगा मुकाबला इन्हीं 2 पार्टियों पर आके टिक जाएगा। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो रीवा शहर की जनता तय करेगी, जिसको इस बारे में जानकारी हमको आपको 11 तारीख को होगी, लेकिन निश्चित रूप से मुकाबला रोचक है। काफी गंभीरता से यहाँ पर बिल्कुल मतलब दोनों पार्टी के लोग डोर टू डोर कन्विंसिंग कर रहे हैं, जैसे कि अभी दर्शकों को भी मालूम है प्रचार कार्य बिल्कुल बंद हो चुका है, शोर शराबा बंद हो चुका है, अब घर घर दस्तक दी जा रही, हाथ पैर जोड़े जा रहे हैं, जिनके घर कभी नेता जाना नहीं चाहते थे उनके घर भी जा रहे हैं, निश्चित रूप से रोचक। बिल्कुल 2003 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का यहाँ से सुपड़ा साफ हुआ था, वही कांग्रेस अब इस समय तेजी के साथ मैदान में उतरी और लगातार मतदाताओं के बीच जा रही है। उनको उम्मीद है कि वो फिर बेहतर प्रदर्शन करें और एक बार फिर सत्ता में आए, इसके लिए वो हर एक कवायद कर रहे हैं। 2003 में ऐसी क्या स्थिति सुरेंद्री बनी थी कि कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया और भारतीय जनता पार्टी यहीं से मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बम्पर वोटों के साथ विजयी हुई और सरकार बनाने में कामयाब हुई। विजय जी बता दूँ, निश्चित तौर पे 2013 की अगर हम बात करें तो उस पर जो कांग्रेस एकजुट नहीं हुई और जिसका ये प्रभाव था कि उन्हें 2013 में जो है सरकार को नहीं बना पाते, बहुत ही कम, अगर भिन्न रीजन की बात करें तो 12 सीटों से समझौता करना पड़ा था, उन्हें केवल 12 सीटें उनकी आई थी। इस बार वो पूरे एकजुट हुए हैं और एक साथ उन्होंने उतर के पूरी तरह से बीजेपी को जो है अब हराने की कोशिश करी और इसी का ये परिणाम है कि आज हर जगह उनको कह सकते हैं कि वो चर्चा में बने हुए और इस बार उनका जो मानदान की जो कह रहे हैं कि लोग इस बार काफ़ी गलत भी करेंगे। विधानसभा में रीवा कांग्रेस की परंपरागत सीट थी, यहाँ से महाराज पुष्पराज सिंह लगातार 3 बार विजय हुए और उसके बाद 2003 में उनको हार का सामना करना पड़ा। तभी एक युवा चेहरा सामने आया था, वो था भारतीय जनता पार्टी से राजेंद्र शुक्ल। राजेंद्र शुक्ल
एक बेहतर छवि के चलते यहां बम्पर मतों के साथ जीते और लगातार 3 विधानसभा में वो विजयी होते गए। 2003 में उन्होंने जीत दर्ज की, 2007 में और फिर इसके बाद 13 में भी वो जीत दर्ज कर सके। इस बार क्या लगता है? देखिए, मैंने जैसे आपसे पहले कहा कि इस बार कांटे की टक्कर है, नेक टू नेक फाइट है। अभी तक राजेंद्र शुक्ल बहुत ज्यादा मार्जिन वोटों से जीता करते थे, इस बार पब्लिक कुछ बोल नहीं रही है। जो भी नेता या जो भी, जैसे हम लोगों ने कई जगह जाने की कोशिश की, मतदाताओं से उनका मूड जानने की कोशिश की, उनका सबका कहना था जैसा आप लोग कहें। मतदाता मुंह नहीं खोल रहा है, मतदाता बिल्कुल खामोश है। और वो कल जब आज वोट डालने जाएगा, वोट किसको देता है? हम तो केवल अपने दर्शकों से यही अपील करेंगे वो मतदान केंद्र में जाएं और वोट दें। लेकिन मैं विजय जी आपको बता दूं, दोनों पार्टियों ने रीवा में अपना बहुत जबरदस्त तरीके से फोकस किया कंपेनिंग की। सारी पार्टियों की अगर बात की जाए, अगर बात कांग्रेस की जाए, तो यहाँ पर उन्होंने अपना प्रचार अपने शीर्षस्थ नेता राहुल गांधी को लाकर सबसे पहला वहाँ उन्होंने स्टार्ट किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को रीवा लेके आए, वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी को लेके आए इसी विधानसभा में, देवतालाब में। जैसा आपको मालूम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभा रीवा में हुई। बिल्कुल, वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी ने मायावती जी को रीवा में उन्होंने अपने केंद्र बना के उनको कोई फोकस किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुड़ और सिमरिया में सिरमौर में उन्होंने अपना। मेरा कहने का मतलब है कि सारी बड़ी पार्टियों ने विंध्य में बहुत तेजी से फोकस किया, खास तौर पे रीवा जिले में। रीवा जिले में सबको ये लग रहा था कि हम मजबूत स्थिति में हैं, सारी पार्टी। आप चारों पार्टियों से बात करें तो सपा भी कह रही इस बार हम अपना खाता खोलने जा रहे हैं, बहुजन कह रही यहाँ पर हम बहुत बेहतर स्थिति में 8 में से 4 जीत लेंगे, कांग्रेस कह रही हम सारी सीटें जीत लेंगे, बीजेपी का तो यहाँ पर एक पहले से ही जनादार रहा। तो निश्चित रूप से सारी सीटों में बहुत रोचक, बड़ा मजेदार मुकाबला देखने में नजर आ रहा। हम लोगों ने रीवा की सारी 8 की 8 सीटों में हमारी टीम ने सर्वे किया, वहाँ पर लगातार उन्हें नजर बना के रखी, मतदाताओं से बात की, नेताओं से बात की, उनके समर्थकों से बात की। लेकिन सारी पार्टियां अपनी अपनी जीत के प्रति बड़ी निश्चित हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे मुकाबले कोई है ही नहीं। बिल्कुल, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का यहां पर प्रदर्शन रहा है और भारतीय जनता पार्टी, रीवा की हम बात कर रहे हैं, रीवा विधानसभा सीट की, जहाँ पर राजेंद्र शुक्ल विकास के मुद्दे पर जनता के बीच जा रहे हैं, उन्होंने जो व्यापक विकास किया है रीवा का, यहाँ तक कि रीवा का नाम जो कभी बदहाली के लिए जाना जाता था उसको उठाकर उन्होंने प्रदेश और देश में एक पहचान दी। व्हाइट टाइगर सफारी की बात हो या कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम की बात हो, यहाँ की सड़कों की बात हो या ओवर ब्रिज की बात हो, विकास देखने को मिलता है। सुपर स्पेशलिटी की बात हो तो यहाँ पर बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। क्या मानते हैं आपकी विकास का मुद्दा इस चुनाव में असर डालेगा? निश्चित तौर पर इस बार विकास का मुद्दा यहाँ पे असर डाल रहा है। जहाँ भी अगर हम भारतीय लोगों के बीच में गए हैं तो ये विकास एक तरह से घूम गया है। कोई ना तो कृष्णा ऑडिटोरियम की तरफ देखने के लिए तैयार है, ना ब्रिज की तरफ देख रहे हैं, ना जो हॉस्पिटल है मरीज उसकी तरफ कोई बात नहीं कर रहा, केवल व्यक्ति विशेष पर आके टिक गया है। तो अब ये मतदाता किधर जाएगा, क्या करेगा, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ बोलने के लिए वो तैयार नहीं है। सुरेंद्र जी, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, निश्चित रूप से आपने जैसे कहा कि मतदाता बिल्कुल खामोश है, और यहाँ पर देखिए विंध्य जो है, खासतौर से रीवा की अगर अपन बात करते हैं, तो रीवा में चुनाव अंत में चुनाव सारे मुद्दे 2-4 दिन पहले गायब हो जाते हैं। यहाँ पर ना विकास की बात होती है, ना किसी तरीके की बात होती, केवल जातिगत आधार को दिमाग में रख के यहाँ पर सारी बड़ी गुणा भाग लोग अपना अपना कायस लगाते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर लोग जीत हार का आंकड़ा तय करते हैं कि यहाँ पर हमारे इतने वोटर हैं, यहाँ हमारे इतने वोटर हैं, तो इस तरीके से हम यहाँ पर जीत रहे। लेकिन जब यहाँ रिजल्ट निकलता है तो ये बिल्कुल रीवा अप्रत्याशित परिणाम के लिए जाना जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि 98 में चुनाव में कांग्रेस पार्टी का संबल नहीं आया और यहाँ के जो प्रत्याशी थे महाराजा पुष्पराज सिंह वो निर्दलीय हुए और उन्होंने आलमारी के संबल पर चुनाव लड़ा। बिल्कुल, देखा जाए तो एक उनकी ऐतिहासिक जीत हुई और एक ये चौंकाने वाला रिजल्ट आया था। मजे की बात उसमें ये रही कि राजेंद्र शुक्ल जो वर्तमान में भाजपा के प्रत्याशी हैं रीवा से, उन्हें हराकर महाराज पुष्पराज सिंह ने
यहाँ से विजय प्राप्त। बिल्कुल देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं, वो तो चौंकाने वाला परिणाम था। उसके अलावा अगर आप पीछे भी जाइए तो यहाँ पर से वरिष्ठ नेता हुआ करते थे समाजवादी पार्टी के यमुना प्रसाद शास्त्री, जिनकी गोवा में एक आंदोलन के दौरान दोनों आंखें खराब हो गई थी, वो यहाँ से लोकसभा सांसद बने। उसके बाद बहुजन समाजवादी पार्टी का पहला सांसद भी रीवा ने दिया। तो रीवा हमेशा चौंकाने वाले परिणाम देने के लिए जाना जाता है। बिल्कुल, अगर हम यहाँ पर दर्शकों की बताएं कि जिस तरह से यहाँ पर महाराजा पुष्पराज सिंह ने 98 में एक विजय प्राप्त की थी, ऐतिहासिक जीत प्राप्त की थी, और वही 2003 में मुंह की खानी पड़ी, महाराजा पुष्पराज सिंह को हार का सामना करना पड़ा था, और वहीं से राजेंद्र शुक्ल विंध में एक उभरता हुआ चेहरा सामने आए और उन्होंने जीत दर्ज की, और उसके बाद लगातार वो जीत दर्ज करते आ रहे हैं। अगर हम दूसरी विधानसभाओं की बात करें तो सिमरिया विधानसभा परिसीमन के बाद बनी और वहां पर लगातार विजय जी, मैं आपको दो मिनट जरा टोकूंगा, मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं, यहां पर कुछ अस्पताल से कुछ खबरें आ रही, शहर की कुछ खबरें और आ रही हैं, तो मैं दो मिनट लिए अपने दर्शकों को यहां के ताजा हालात से अपडेट करा देता हूं। सबसे पहले मैं अगर अस्पताल की बात करूं तो अस्पताल में आज दो तरीके के मामले नजर आए। एक तो पहला मामला मारपीट को लेकर था, दूसरे मामले को भी मारपीट के लिए, पहला मामला डीजे को लेकर, डीजे बजाने को लेकर यहाँ पर विवाद हुआ, जिसमें रात को देर रात एक आदमी ने कहा डीजे बजाओ, दो लोगों ने कहा डीजे नहीं बजेगा, उसमें मारपीट हुई, घायल होकर दो लोग अस्पताल पहुंच गए। वहीं चुरहट में भी इसी तरीके का एक मामला हुआ, 55 की एक महिला थी जो अपने खेत में चारा काट रही थी, उसके पड़ोस वाले व्यक्ति ने कहा कि मेरे खेत से चारा काट रहे हो, डंडे को मारा, वो भी गंभीर अवस्था में संजय गांधी अस्पताल पहुंच चुकी। मैं दोनों ही छोटी छोटी बातें थी जिसको लेकर मामला इतना बढ़ गया कि मारपीट में उतारू हो गए और ये अस्पताल तक नौबत आ गई, जबकि इसको घर में ही बैठ के वहाँ आपस में सुलझाया जा सकता था। दूसरा ये आपको देखते हैं, दूसरा और बता देता हूँ आपको एक मामला भी, मैं और अपने दर्शकों को बता दूँ, वो मामला है यहाँ पर, जैसा कि आपको मालूम है कि बिल्कुल मतदान की बेला है, मतदान की बेला में सड़क में काफी रीवा शहर का ट्रैफिक के बारे में तो कुछ कहने सुनने के लिए बचा नहीं है, जैसे ट्रैफिक शहर का हाल हमारे दर्शक भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। उसी को लेके डीआईजी रीवा अविनाश शर्मा आज खुद मैदान में उतर आए, उन्होंने ब्लैक कैट कमांडो को लिया और खुद सड़कों पर से अव्यवस्थित रूप से रखा गया सामान को खड़े होकर सामने अपने उन्हें हटवाया। मैं अपने दर्शकों को भी वो दृश्य जरूर दिखाऊंगा, तो आइए देखें।
फिर उनको बदतमीजी करना पड़ती है और बिना उसके आपको समझ में नहीं आता है जबकि आपके पास पूरी जगह है अंदर दुकान में लगाइए उस पर। और ये अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, आम जनता की सहूलियत के लिए हो रहा है। हटाइए इसको पूरा। आप मुझे बोल रहे हैं टायर है, ये तो अंधे को भी दिख जाएगा कि क्या। मैं पूछा हूँ यहाँ क्या है ये सरकारी जमीन। वही मैं आपको बता दूं, आप मतदान की बात कर रहे थे, मतदान दल पोलिंग बूथ से रवाना हो रहा, पोलिंग बूथ पे पहुंच रहा है, पोलिंग बूथ पे पहुंच रहा है, कुछ पोलिंग बूथ में काफी अव्यवस्थाएं भी देखने में नजर आ रही। जब तक कि आपको मालूम है यहाँ पर इस बार पिंक बूथ भी बनाए गए हैं जहां पर सारा काम महिलाएं करेंगी, टोटल कर्मचारी वहां पर महिलाओं को होंगे, जहां पर पुरुष और तमाम तरीके के मतदाता भी हैं वो पोलिंग बूथ बनाए गए, वहां भी काफी अव्यवस्था देखने में नजर आ रही। एक नजारा मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगा मेडिकल कॉलेज का, वहां पर जब पोलिंग बूथ पोलिंग पार्टी वहां पर पहुंची मतदान कराने के लिए तो वहां पर बाथरूम की समस्या नजर आई और जो दूसरा एक बाथरूम समझ में आया वहां पर दिखा उसमें भी ताला बंद था। पानी होने की व्यवस्था है, कुछ व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बाथरूम की भी नहीं है। दरवाजा बंद कर दिया, अंदर है भी बंद है दरवाजा, गेट कहाँ से जाएंगे? आप लोग यहाँ कितने कर्मचारी लगे हुए हैं? मतलब व्यवस्था नहीं, ना पानी की है ना बाथरूम, देख रहे हैं पानी नहीं है। अब यहाँ पूरा बंद कर दिया, लगे हुए लाइट भी धीमी, मतदान के काम लगे हुए, एक लाइट ये चल रही है। अभी आप देख रहे थे अव्यवस्थाओं का आलम, मतदान बूथों में जिस तरह से अव्यवस्था थी और वहीं संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय में मारपीट कर एक छोटे से मसले पर घायल लोग अस्पताल में इलाज करा रहे थे। वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप जाइएगा नहीं, बने रहिए रीवा दर्शन के साथ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 28 नवंबर का दिन निर्वाचन आयोग द्वारा संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए मतदान के लिए निर्धारित किया गया है। मैं आप सभी लोगों से अपील करती हूं कि 28 नवंबर को मतदान अवश्य करें और अपने आसपास के, अपने परिवार के, अपने समाज के लोगों को भी जागरूक करें कि वे आगे आएं और स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में सहभागी बनें। आपका वोट आपकी ताकत है, इसका नैतिक और सार्थक उपयोग करें। शत प्रतिशत मतदान बनेगा रीवा का अभिमान। आगामी 28 नवंबर को मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन के लिए मतदान संपन्न होगा। इस मतदान की प्रक्रिया में प्रत्येक मतदाता को हिस्सा लेना है। हम समझते हैं कि हमारा मतदाता जागरूक है और राष्ट्रीय कर्तव्य मानते हुए मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदाता आगे आएंगे। दिव्यांग वोटर है, निःशक्त वोटर हैं, उनको चिन्हित किया गया है, प्राथमिकता भी उनको प्रदान की गई है।
हम सभी मतदाताओं से अपील करना चाहते हैं कि कोई भी मतदाता मतदान से ना छूटे। निर्वाचक नामावली प्रत्येक बीएलओ को उपलब्ध करवाई गई है। नामावली से जनरेट करके मतदाता पर्ची हर मतदाता के घर पर पहुंचाई जा रही है। मतदाता पर्ची को संभाल करके रखें और इस पर्ची के आधार पर पोलिंग कराई जाएगी। मतदान में हिस्सा लेना, नैतिक रूप से मतदान करना ये आवश्यक है। हर मतदाता से हम अपील करना चाहते हैं कि वो अपने मतदान केंद्र पर पहुंच करके और मतदान से वंचित ना हो, मतदान करें, उत्साह बनाए रखें और लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल हों। हमें दिखाना है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है, अपनी वोट की ताकत हमें दिखाना है। आओ हम प्रयास करें, आओ हम प्रयास करें, लेकर हाथ में हाथ करें, सब मिल साथ साथ करें। आओ हम प्रयास करें, आओ हम प्रयास करें, आओ हम प्रयास करें। ब्रेक के बाद पुनः दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2018। विधानसभा चुनाव 2018 में सबसे अधिक मतदाताओं की संख्या देखने को मिली मनगवा विधानसभा में। मनगवा विधानसभा में जहां सबसे अधिक मतदाता है, वहीं दौथर विधानसभा ऐसी विधानसभा है जहां पर सबसे कम मतदाता है। इसके अलावा अगर हम सबसे अधिक प्रत्याशियों की बात करें तो रीवा जिले में रीवा विधानसभा में सबसे अधिक प्रत्याशी चुनाव मैदान पर हैं। इसके अलावा सबसे कम प्रत्याशियों की बात की जाए तो मनगवा विधानसभा सीट ऐसी है जहां सबसे कम प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत अजमाने का फैसला लिया है। अब हम बात करते हैं सिमरिया विधानसभा की। तो सिमरिया विधानसभा में जहाँ भाजपा ने केपी त्रिपाठी को मौका दिया है, वहीं कांग्रेस पार्टी ने अपने पूर्व प्रत्याशी भगत को पुनः मौका दिया है, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने पूर्व प्रत्याशी पंकज पटेल को मौका दिया। क्या लगता है कि यहां पर किस तरह से समीकरण बनने जा रहा है? देखिए विजय जी, अगर अभय मिश्रा भारतीय जनता पार्टी में होते तो सिमरिया में किसी तरीके का बदलाव देखने में नजर नहीं आता। उनकी पत्नी वहां से विधायक थी, निश्चित रूप से वो दोबारा लड़ती, तो वही पुराने कैंडिडेटों के बीच में ही मुकाबला इस बार भी होना तय था।
लेकिन मैं आपकी चर्चा को आगे बढ़ाऊं, मैं लेकिन आपको अभी इस, आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे चौंकाने वाले, जैसे कि आप कह रहे थे चौंकाने, उसी बात पे थोड़ा सा मैं एक छोटी सी टिप्पणी और कर दूं। देखिए आपने सिमरिया की बात की, तो सिमरिया में पिछले भारतीय जनता पार्टी ने एक चीज की थी, पहले पति फिर पत्नी, ये रीवा के 8 जिलों में 2 या 3 विधानसभा में इस तरीके के परिणाम देखने, जैसे मनगवा में भी कभी पति कभी पत्नी भारतीय जनता पार्टी से, वही चीज इस बार अपनाई है कांग्रेस ने सिरमौर में, पहले पति विवेक तिवारी इस बार उनकी पत्नी। आप बात कर रहे थे सिमरिया की, सिमरिया में बिल्कुल निश्चित रूप से मामला वहां पर भी त्रिकोणीय है, त्रिकोणीय मामला है, और भी छोटे छोटे दल वहां पर से लड़ रहे हैं, वो सब अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन अंत में जो मामला यहां पर मुकाबला देखने में नजर आ रहा है, बहुजन समाजवादी पार्टी के पंकज सिंह हैं, उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के केपीसी पार्टी और कांग्रेस के भगत। विधानसभा चुनाव में जिस तरह से नीलम मिश्रा ने एकदम से चुनाव के एक मौके पर भाजपा की सदस्यता से इस्तीफा दिया और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई, साथ ही अपने पति अभय मिश्रा का प्रचार करने लगी, तो क्या लगता है कि नीलम मिश्रा वहां पर प्रभावित करेंगी? निश्चित तौर पे वहां पे जो है नीलम मिश्रा प्रभावित करेंगी, क्योंकि इससे पहले 2008 उनके पति थे वहां पे जी, वो खुद हो गई वहां पे विधायक थी, तो ये जो 10 साल का जो कह सकते हैं उनके कार्यकर्ता है काफी, तो एक तरह से वहां पे उन्होंने वोट बैंक बना रखा है, वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक कर रहे सूरज जी, क्योंकि जब नई विधानसभा नहीं थी तब से उन्हीं का कब्जा था। और दूसरी चीज बिल्कुल ठीक है, अभय मिश्रा स्वयं रीवा से लड़ रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भी है, एक उनका कह सकते लोगों के बीच में पकड़ अगर कह सकते हैं, उनके क्षेत्र लोगों से संपर्क है वो एक। एक तरफ सभी पार्टियां परिवारवाद की वकालत करती हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं कि परिवारवाद हावी है, वहीं आप जैसे कि कह रहे थे कि कभी पति को कभी पत्नी को तो कभी बेटों को जगह मिलती रही है, ऐसे में क्या लगता है कि पार्टियां अपने प्रत्याशियों को जो कि एक जमीनी कार्यकर्ता है उनको कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं, उनको छोड़ देती है? देखिए विजय जी, चुनाव के एक महीना को आप अलग कर दीजिए, बाकी जो होते हैं 5 साल में एक महीने को अगर आप छोड़िए तो सारी पार्टियां ये कहती हैं कि हमें परिवारवाद से मतलब नहीं है, हम उसी आदमी को प्रत्याशी अपना प्रत्याशी बनाएंगे जो क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहा। इस बार कांग्रेस के भी बड़े नेताओं ने, राहुल गांधी ने खुद कहा था, वहीं मोदी अमित शाह ने कहा था कि हमारे कार्यकर्ता ही लड़ेंगे, लेकिन एन वक्त पर सबकी नज़र ये हो जाती कि हम जीतने वाले कैंडिडेट पर ही अपनी पूरा दांव खेलेंगे, हम कोशिश करेंगे कौन आदमी टिकट किस पार्टी से जीतने वाला उम्मीदवार था, किन वजह से उसका टिकट नहीं मिला, तो हम उसको तोड़ फोड़ के अपनी पार्टी मिला लें, हम हर हालत में अपनी इस सीट को गंवाना नहीं चाहते। बिल्कुल जैसे कि आप कह रहे हैं गंवाना नहीं चाहते सीट को, हम बात करें अगर मनगवा विधानसभा सीट की, तो यहाँ इसी वजह से पंचूलाल प्रजापति जो कि पूर्व विधायक थे उनकी टिकट काटी गई और वहां से उनकी पत्नी पन्नाबाई को टिकट दी गई, हालांकि वो विधायक जरूर हुई और अगली बार फिर उन्हें उसी सीट पर टिकट दी गई और नतीजा इसका ये हुआ कि विधानसभा 2013 हार गई थी बहुजन समाज पार्टी से हार गई, और हार का फासला अगर हम बात करें तो 275 मतों से वो पराजित हुई थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस सीट को कहीं ना कहीं जीतना चाहती थी, वो हर हाल में इस सीट पर अपना विजय बनाना चाहती थी, इसीलिए इस बार पंचूलाल प्रजापति को मैदान में उतारा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, उनकी पत्नी ऐसा लग रहा 275 वोट से चुनाव हार गई थी, कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि वो उतना तेजी से प्रचार नहीं कर पाई, हालांकि पंचूलाल जी ने मेहनत की थी, काफी मेहनत की थी, लेकिन ये माना गया कि वो उतनी तेजी से क्षेत्र में नहीं जा पाई, शायद इसी वजह को इसी बात को दिमाग में रखते हुए पन्नाबाई का टिकट काट के इस बार फिर से उनके पति पंचूलाल जी को टिकट दिया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं वहां मनगवा में इस बार बहुजन समाजवादी पार्टी से बबीता साकेत टिकट मांग रही थी, काफी मजबूत प्रत्याशी थी, इस बार जब ये लगा उनको बहुजन से टिकट नहीं मिली और कांग्रेस के पास कोई बहुत मजबूत प्रत्याशी था नहीं, तो कांग्रेस ने यह कोशिश की कि बबीता साकेत को अपने पाले में लाकर उनने वहां पर खड़ा कर दिया। मैं आपको बता दूं मनगवा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीनिवास पंडित श्रीनिवास तिवारी जी की कर्मभूमि रही है, श्रीनिवास तिवारी जी का
बहुत जबरदस्त वोट बैंक हुआ करता था। हालांकि वो अंतिम चुनाव देवतालाब से गिरीश गौतम जो इस समय विधायक हैं लड़ रहे हैं चुनाव, उनसे मंदोमस में हार गए थे, फिर भी उनका एक बहुत जबरदस्त वोट बैंक होता था। उसकी वजह से ये दिमाग में रख के बात तय की गई कि कांग्रेस अगर बबीता साकेत को टिकट देती है, जो कि काफी वहां पर क्षेत्र में लोकप्रिय है, उनको देती और श्रीनिवास तिवारी का वोट बैंक उनके साथ जाता है, खास तौर से अजय सिंह राहुल का भी बबीता साकेत पर फोकस था, तो ठाकुर मतदाता भी कांग्रेस की तरफ जा सकता। ये सारे समीकरण को दिमाग में रख के बबीता साकेत को कांग्रेस में लाया गया और फिर टिकट दी गई, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि वहां पर मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। बिल्कुल, मनगवा विधानसभा भले ही आरक्षित सीट हो, लेकिन यहाँ पर सबकी नजरें हमेशा से रही हैं। एक तरफ कांग्रेस जहाँ इसे अपनी परंपरागत सीट मानती आई है, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पर जीतने में कामयाब हुई थी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने गिरीश गौतम के रूप में यहाँ से विजय प्राप्त की। गिरीश गौतम ने पंडित श्रीनिवास तिवारी को यहाँ से हराया था, जो कि विधानसभा अध्यक्ष थे। उसी दौरान उन्होंने ये गिरीश गौतम जी को मैदान पे उतार के ये जीत दर्ज की और इसके बाद उन्होंने लगातार जीते दर्ज करती रही। साथ ही वहां पर परिसीमन के बाद मनगवा विधानसभा सीट को आरक्षित कर दिया गया और उसके बाद वहां पर पंचूलाल पन्नाबाई साथ ही शीला त्यागी भी जीत दर्ज कर चुकी है। क्या लगता है कि ब्राह्मण मतदाता वहां पर काफी प्रभाव डाल रहे हैं? देखिए विजय जी, इस बार जरूर फिर से कांग्रेस ने वहाँ पे घेरने की कोशिश की और बीएसपी छोड़कर जो है बबीता साकेत वहाँ पे आई है, तो बबीता के आ जाने से एक बार फिर वहाँ पे कांग्रेस जो है मजबूत स्थिति पे आई है और वहाँ पर प्रयास शुरू करेगी कांग्रेस में वहाँ पे विजय से भी मिले। तो विजय के लिए वो जितने भी बाहर से कैंडिडेट उनको बुलाना पड़ा वो बुलाए हैं, उन्हें टिकट दिया है और एक मजबूत स्थिति पर वो आने की कोशिश की और निश्चित तौर पर जनता जैसा भी तय करेगी तो भविष्य की बात में ज्यादा बेनिफिट सामने आएगा, उस पर अपन ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन जनता की मूड क्या है वो कैसा कहने, क्योंकि बीजेपी बीएसपी फिर क्योंकि ये कांग्रेस की परंपरा सीट रही थी, कांग्रेस यहाँ वैसे से पंडित श्रीनिवास तिवारी जी वहाँ से विधायक रहे, तो निश्चित तौर क्या होगा ये तो ज्ञात है। बिल्कुल, अगर हम गुड़ विधानसभा की बात करें तो गुड़ विधानसभा में 2013 में कांग्रेस पार्टी वहाँ से विजयी हुई और जीत का अंतर जो था महज 1382 मतों से उन्होंने जीत दर्ज की थी। सुंदरलाल तिवारी विधायक बने, जबकि दूसरे स्थान पर भारतीय जनता पार्टी रही। नागेंद्र सिंह वहां से चुनाव हारे और उसकी वजह मानी गई कपिलध्वज सिंह, जो कि एक निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्होंने यहां पर हराने में नागेंद्र सिंह जी को बहुत बड़ी कि आज मतदान जो के कर्मचारी ने रवाना करने से पहले आज वहाँ पे एक आरटीआई कार्यकर्ता जो है उन्होंने शिकायत की है इलेक्शन कमीशन से, तो वहाँ पे कुछ पार्टियों के जो है चिन्ह वहाँ पे जो है मतदान सामग्री उस पर लगे हुए थे। बिल्कुल, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि सुरेंद्र जी जिस खबर की बात कर रहे हैं वहाँ पर देखने में ये मिला कि जो एक स्पीकर था, एम्पलीफायर था, उस पर एक स्टिकर लगा हुआ था और हमारे क्षेत्र के दिग्गज नेता का वो स्टिकर था, उस पर उनकी फोटो चस्पा थी। इस बात को लेकर ये मामला निर्वाचन आयोग तक पहुँचा और शिकायत दर्ज कर दी। बहरहाल इस मामले में अब निर्वाचन आयोग क्या कार्रवाई करता है हम ये भी दर्शकों को बताएंगे। इससे पहले हम बात कर रहे थे गुड़ विधानसभा सीट की, यहाँ पर जिस तरह से त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था और कपिलध्वज सिंह ने बाजी मारी, साथ ही उन्होंने नागेंद्र सिंह जी को हराने में पूरी भूमिका। बिल्कुल विजय जी, मैं आपको बता दूं, दर्शकों को भी बता दूं कि इस बार का चुनाव 18 का चुनाव 13 का रिप्ले है। आप ये कह सकते हैं कि जो रिप्ले हो है 13 में जो घटनाएं घटी थी, जो परिस्थितियां थी, वही परिस्थितियां वहां पर हैं, वही प्रत्याशी वहां पर हैं, तो निश्चित रूप से 13 का रिप्ले मान के आप इस चुनाव को देखिए। और इस बार कपिलध्वज सिंह जो पिछली बार वहां पर निर्दलीय प्रत्याशी हुआ करते थे और जिनके बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि 25,000 वोट वो ले जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के मजबूत प्रत्याशी की हार का कारण बनेंगे, इस बार पिछले बार निर्दलीय थे तब उनको 25,000 वोट मिले थे, इस बार उन्होंने एक पार्टी ज्वाइन कर ली सपा। सपा के बारे में ये कहा जा रहा है कि इस बार उनकी साइकिल में ब्रेक नहीं है, काफी तेजी से वो चल रही है। खैर ये तो भविष्य की बात है। इस मेरा कहने का मतलब है कि इस बार वहां पर नेक टू नेक फाइट है,
बहुजन समाजवादी पार्टी वैसे भी मजबूत मान रही अपने को कह रहे हैं कि हम 8 की 8 से विधानसभा में मजबूत हैं। कांग्रेस तो कह रही कि 8 की 8 हमने जीत ली। भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पर कह रहे हैं कि हम अब पिछली गलती नहीं दोहराएंगे। जो हम लोग अगर गुड़ विधानसभा की बात करें तो गुड़ विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जो देश के नक्शे में आ गई है। गुड़ में अल्ट्रा सोलर प्लांट लगने से वो एशिया में उसके पहचान मिली है। एक जिस तरह से वहां पर सोलर प्लांट स्थापित हुआ वो कहीं ना कहीं देश को और गुड़ विधानसभा को प्रदेश को एशिया के नक्शे पर ले जाता अलग पहचान वहां पे दी गई है। बिल्कुल। साथ ही वहां पर इस बार एक पोस्टर वार चला था। उस पोस्टर वार में बाहरी प्रत्याशी को विधानसभा क्षेत्र में ना घुसने के लिए चेतावनी दी गई, लेकिन ये कहा गया कि ऐरा प्रथा बंद है, कृपया यहाँ बाहरी प्रत्याशी ना आए। ऐरा प्रथा, हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ऐरा प्रथा है क्या? आप जावेद जी अगर दर्शकों को समझा पाए। देखिए प्रथा, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, गुड़ विधानसभा में इस बार का जो चुनाव था, जो चुनाव पर फोकस किया गया था वो ये था घरेलू बाहरी। ऐरा प्रथा उसको कहते हैं जैसे गांव में खेत होते हैं, खेतों पे जो दूसरे के जानवर आके उसका चारा चर लेते हैं, उसकी फसल चर लेते हैं, फिर वो भगाते हैं, तो उनको इस बार उन्होंने जो वहां के लोकल कैंडिडेट थे, जो भी लोग लोकल कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने कहा कि इस बार हमारे क्षेत्र में ऐरा प्रथा लागू है, हम बाहरी प्रत्याशी को कतई स्वीकार नहीं करेंगे, हम अपने विधानसभा क्षेत्र को चारागाह नहीं बनाना चाहते, हम ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का ही वहां पर प्रत्याशी चुनाव लड़े। सीधा सा ऐरा प्रथा का सीधा सा मतलब है कि चारागाह, बाहर का आदमी आके हमारा भोजन कर ले, हमको वहां पर कुछ ना। सुरेंद्र जी आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐरा होने से मतलब बाहरी प्रत्याशी अगर विधानसभा में दूसरी विधानसभा में आकर चुनाव लड़ता है, जीतता है, तो कहीं ना कहीं उससे विकास प्रभावित होता है, क्या कहते हैं जी? निश्चित तौर पर विकास प्रभावित होता है, क्योंकि जो उस क्षेत्र की जनता है वो अपने क्षेत्र के अपने ही एक बीच से एक व्यक्ति जो निकला उसके लिए प्रयास करती है। नए जो विकास के नए आयाम होते हैं, सड़क पानी बिजली, वो क्षेत्र की जनता के लिए ज़्यादा समझ सकता है, क्योंकि स्थानीय होगा वो वहाँ पर। और यही कम्युनिस्ट जो है सिरमौर में भी लागू हो रही है। राजकुमार गुलेरिया भी यही कह रहे हैं कि हम ऐरा बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ी मजेदार चीज है, इस बार लोग सिंबल की बात नहीं कर रहे हैं, ऐरा प्रथा कह रहे हैं कि ऐरा प्रथा लागू, सिंबल से हमें मतलब नहीं है। इसका जो सबसे पहले शुरुआत जो हुई है ये गुड़ विधानसभा से हुई है, और ये पूरी तरह से हवा कह सकते हैं, हवा पूरी जिले में। ये इस बार पूरे देश में एक रोचक घटना के रूप से जानी जाएगी भविष्य में, मैं इस बात का दावा कर सकता हूँ। नहीं बिल्कुल, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि कई बड़े नेता हैं दूसरी विधानसभा, यहाँ तक कि दूसरे प्रदेश और दूसरे जिलों में जाकर चुनाव लड़ते हैं, और उस क्षेत्र की जनता विजय जी आप जो कह रहे थे ना, निश्चित रूप से, लेकिन अभी तक क्या होता था कि इनके खिलाफ ये लड़ रहे हैं, पहली बार ऐसा देखा गया जिस पे ये वाली बात थी कि भाई ऐरा प्रथा रोकिए, आप ये मत देखिए कि कौन कहां से लड़ रहा है, किस पार्टी से लड़ रहा, केवल और केवल ऐरा प्रथा रोकिए, और ऐरा प्रथा हवा भी बड़ी तेजी से चल रही है, बिल्कुल चल रही है, ठीक है, कह सकते हैं बड़ी तेजी से है वहां पे, बिल्कुल। और वो ऐरा प्रथा किस और करवट लेगी ये कुछ कहा नहीं जा सकता, ये तो जनता तय करेगी। विधानसभा सीट देवतलाव में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, यहाँ से 2 पंचवर्षीय में गिरीश गौतम जीत कर विधानसभा पहुंचे हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि इनके निकटतम प्रतिद्वंदी विद्यावती पटेल रही, जो कि बहुजन समाजवादी पार्टी से थी, और इस बार कांग्रेस की नैया में सवार हो गई है, पैराशूट लैंडिंग हुई और विद्यावती पटेल कांग्रेस में देखी। अगर हम पिछले चुनाव की बात करें 2013 की, तो विद्यावती पटेल महज 3,885 मतों के अंतर से हारी थी। ऐसे में कहा जा सकता है कि प्रतिद्वंदी और एक टक्कर देने वाली जो नेत्री थी विद्यावती पटेल थी, और विद्यावती पटेल अब कांग्रेस में शामिल हो गई है, ऐसे में क्या लगता है कि वो कितना असर डालेंगी? देखिए निश्चित रूप से विद्यावती असर डालेंगी। विद्यापति पटेल का वहां पर अपना खुद का एक अच्छा खासा वोट बैंक है, उस वोट बैंक में
पहले ये माना जा रहा था कि देव तालाब में बगावत कांग्रेस में निश्चित रूप से होगी और कांग्रेसी ये कहा जा रहा था कि कांग्रेसी आपस में तय करके एक कैंडिडेट अपना उतारेगी, लेकिन आला कमान के दबाव से नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने चुरहट में देव तालाब में एक बैठक ली और सारे जितने भी दावेदार थे, टिकट के दावेदार थे, उनको ये समझाया अगर हमारा आपका भविष्य कांग्रेस पर टिका है, कांग्रेस रहेगी तो हम आप रहेंगे, कांग्रेस नहीं तो हमारा आपका किसी का कोई अस्तित्व नहीं होगा, ये शायद समझाइश वहां काम कर गई और पूरी की पूरी कांग्रेस विद्यावती के पीछे आज खड़ी दिखाई दे रही है। और टिकट भी ऐसे समय में दिया है जब कांग्रेस ने सूची जारी की महज 3 दिन पहले। बिल्कुल, एक तरह से देख रहे हैं यानी कांग्रेस यहाँ पे पूरी तरह से एक ताकत के साथ वहाँ पे आई और कैंडिडेट को कर लिया। बिल्कुल, अगर हम देवतलाव की बात करें तो देवतलाव में गिरीश गौतम आरक्षित होने के बाद मंडवा विधानसभा सीट जब आरक्षित हुई उसके बाद वो वहाँ पर गए और उसके बाद से वो लगातार चुनाव जीतते गए। विधानसभा चुनाव 2003 में जब पहली बार गिरीश गौतम ने श्रीयुक्त श्रीनिवास तिवारी को हराया था उस समय उन्होंने एक बड़े नेता के रूप में अपनी पहचान दी थी और उन्होंने विधानसभा में भी दावा किया था कि उनको मंत्री पद मिले, लेकिन दुर्भाग्य रहा उनका कि उनको मंत्री नहीं बनाया गया और जी बिल्कुल। क्या लगता है कि अब देवतलाव में वो कितना बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे, क्या उनका ये जो सपना है मंत्री बनने का पूरा हो पाएगा? अब ये तो जनता तय करेगी कि सपना पूरा होता है कि नहीं होता है, लेकिन इतना तो तय है कि क्षेत्र में उन्होंने हद तक प्रयास किया है कि विकास होने चाहिए, इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी यहाँ पर उतार दिया अपने क्षेत्र में। अब जनता की सोच जा रही है ये तो उनके कार्यों को ही देखने के बाद पता चलेगा, पर यहाँ कांग्रेस को भी कमजोर नहीं, जो 3 दिन पहले ही घोषणा टिकट घोषणा होने के 3 दिन पहले कार्य कैंडिडेट बनाई है तो भी कमजोर नहीं जाएगी, और BSP भी वहाँ पीछे पीछे चल रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, BSP पीछे पीछे चल रही है। BSP क्या वहाँ पे स्थित लाती है, इन दोनों की क्या समीकरण करती है कांग्रेस और BJP की, ये वो भी तय कर सकती है। बिल्कुल, जैसे कि बहुजन समाज पार्टी से विद्यापति ताल्लुक रखती थी और विद्यापति पटेल गुढ़ विधानसभा से 2 बार विधायक रह चुकी थी, उस समय उनकी जो पार्टी थी बहुजन समाज पार्टी ही थी और उसमें कद्दावर नेता के रूप में वो जानी जाती थी, बहुजन समाज पार्टी को उन्होंने खड़ा करने में योगदान दिया और एक बड़ी नेत्री के रूप में उन्होंने पहचान बनाई थी। ऐसे में अगर विद्यावति पटेल कांग्रेस में शामिल हुई तो निश्चित तौर पर उनका जो वोट बैंक था उनके साथ जनाधार के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, विद्यावती का खुद का एक अच्छा खासा वोट बैंक है, दो बार वो विधायक है, उनका अच्छा खासा जनाधार है। मैं आपको बता दूं, मऊगंज से चुनाव लड़ा करते थे राकेश रतन सिंह कांग्रेस से, उनका भी गृह ग्राम है नईगढ़ी देवतरा, वो भी लगातार उनके साथ नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ कांग्रेस से जितने लोग भी टिकट मांग रहे थे वो सबके सब विद्यावती के ठीक पीछे खड़े दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से। और मैं आपको और बता दूं, जातिगत समीकरणों को दिमाग में रखते हुए बहुजन समाजवादी पार्टी ने इस बार वहां से महिला ठाकुर कैंडिडेट उतारा है, ये मान के आप चलिए कि जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी को वोट देते थे उनका वोट बैंक तो अपना खुद है ही है। बहुजन समाजवादी पार्टी का भी एक ठाकुर कैंडिडेट लड़ा के उनने भी अपना एक अच्छी खासी तैयारी खड़ी कर दी विद्यावती जी का ही, तो त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति वहां पर बनती नजर आ रही है। बिल्कुल, अगर हम सिरमौर विधानसभा सीट की बात करें तो सिरमौर विधानसभा सीट में दीपराज सिंह ने फतेह हासिल की थी और वो विधायक चुनकर गए, सबसे कम उम्र के प्रत्याशी थे रीवा जिले में और वो विधानसभा पहुंचे। उसके पीछे जो एक कारण था, बहुजन समाज पार्टी का वहां पर पहले विधायक हुए राजकुमार मुरमलिया वहां पर विधायक थे, लेकिन पिछले पंचवर्षीय में उन्होंने वहां पर कुछ विकास कार्य नहीं किए जिसकी बदौलत उस क्षेत्र की जनता ने उन्हें नकार दिया और दिव्यराज सिंह को मौका दिया। दिव्यराज सिंह विकास के दावों के साथ फिर मैदान में हैं, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गए हैं प्रदीप सिंह पटना। प्रदीप सिंह पटना समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और वो वहां से प्रत्याशी हैं, जबकि अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी से अरुणा तिवारी वहां प्रत्याशी हैं, पूर्व में विवेक उनके प्रत्याशी थे और अब अरुणा तिवारी। ऐसे में क्या लगता है कि यहाँ पर किस तरह से समीकरण बैठेंगे? देखिए, सिरमौर की अगर बात करें तो वहाँ 2 चीज सबसे पहले समझनी चाहिए कि वहाँ पे जो सीमा की बात आती है घाट के ऊपर और घाट के नीचे, बिल्कुल ये बहुत बड़ा मुद्दा वहाँ पे रहा है।
और राजकुमार उर्मलिया जी की अगर बात करें वो बीएसपी से जैसे कि थे तो घाट के नीचे आ जाते थे, इस बार भी वही चला है घाट के नीचे और घाट के ऊपर। अब पब्लिक वोटर्स तय करेंगे कि किसको वो वहाँ पे अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, लेकिन अगर नीचे से अगर एकजुटता अगर सामने आती है तो राजकुमार उर्मलिया है। हालांकि बीएसपी का वहाँ पर जनाधार घट चुका है, पर अभी भी कांग्रेस वहाँ पर एक बार फिर से क्योंकि उन्होंने डॉक्टर उनको दिया टिकट बिल्कुल सुरेंद्र की पत्नी बिल्कुल यहाँ पर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। राजकुमार उर्मलिया की वजह से बहुजन समाजवादी पार्टी का जनाधार घटा, क्योंकि जो वहाँ पर से बहुजन समाजवादी के कैंडिडेट हैं वो वहीं पड़ोस की विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा करते थे। राजकुमार उर्मलिया का टिकट काट के उनको उनकी विधानसभा बदल दी गई, नई विधानसभा हो गई, तो वो उतना कहा जाता है कि उतनी गंभीरता से क्षेत्र में सबसे जीवान संपर्क नहीं बना पाए। और अरुणा तिवारी विवेक तिवारी की पत्नी है, श्रीनिवास तिवारी की पुत्रवधू है। देखिए श्रीनिवास तिवारी का नाम से वहां पर एक वोट बैंक तो है, लेकिन सबसे चौंकाने वाला परिणाम जो वहां पर दिया है, प्रदीप सिंह पटना ने सपा से चुनाव लड़के, पहले वो भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे थे, देवराज का टिकट नहीं कटा तो उन्होंने सपा से अपना पर्चा दाखिल कर दिया। जातिगत समीकरण भी वहां पर बिगड़ चुके हैं, निश्चित रूप से जातिगत समीकरण बिगड़ने के अलावा चतुष्कोणी मुकाबला वहां पर नजर आ रहा है। अंतिम परिणाम तो काफी रोचक होगा और हो सकता है कोई चौंकाने वाला परिणाम भी वहां पर आ सकता है। बिल्कुल चौंकाने वाला परिणाम यही था 2013 में कि वहां से दिवराज सिंह चुनाव जीते, जबकि वह कांग्रेस की परंपरागत सीट थी। कांग्रेस के अलावा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भी रीवा जिले में सक्रिय रही और ये एक ऐसी विधानसभा सीट थी सिरमौर जहां से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के भी विधायक चुनकर गए रामलखन शर्मा जी। बिल्कुल रामलखन शर्मा जी के बारे में कहा जाता है कि विधानसभा में उनकी तूती बोल थी, वो अपनी बातों को रखने के लिए अनोखे अंदाज से विधानसभा में जाते थे और अपने क्षेत्र का मुद्दा बखूबी वहां पर उठाते थे। बिल्कुल उन्होंने तो कपड़े ही बीच में उतार दिए थे कि हमारी ये मांग पूरी नहीं होगी तो हम कपड़े ही नहीं पहनेंगे। सबसे निश्चित रूप से तेज तर्रार नेता थे, अपना काम कराने हैं, वो जानते थे कि हम किस तरीके से अपना काम करा सकते हैं। दास सुनीला नगर डकैती वहां कम हुई है और डकैतों का आतंक खत्म हुआ, उसमें उनका अहम रोल था, उन्होंने बहुत बड़ा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुरेंद्र जी कि मैं यहाँ पर दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि ददुआ का जिस तरह से आतंक था इस क्षेत्र में, तराई अंचल में, रीवा, सतना और यूपी में, उस आतंक के खिलाफ विधायक जी ने आवाज बुलंद की थी और रामलखन शर्मा ही एक ऐसे विधायक थे जिन्होंने ददुआ को खत्म करने का ऐलान किया था और इसके बाद उन्होंने बंदूकें उठाकर तराई अंचल में गए और कई बार वो ददुआ से मुठभेड़ करने के लिए भी जाने गए। बिल्कुल और उन्होंने जो ये वचन लिया था उनका वचन तब पूरा हुआ जब यूपी एसटीएफ की टीम ने ददुआ का अंत कर दिया और ददुआ को मार गिराया। इसके बाद भी उन्होंने वस्त्र निर्भीक बड़े नेता हुआ करते हैं, मुझे याद है। चलिए और उनके साथ चर्चा काफी लंबी चली जाएगी, हम लोग अपनी सिरमौर में थे, सिरमौर के बाद हम लोग त्योथर की तरफ चलते हैं। और बिल्कुल अगर त्योथर विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर रमाकांत तिवारी विधायक हैं जो कि बुजुर्ग हो गए और स्वास्थ्य उनका खराब है, बीमार चल रहे हैं, जिसके चलते उनकी टिकट काट दी गई और एक जमीनी कार्यकर्ता, जमीन से जुड़े हुए नेता को, श्यामलाल द्विवेदी को यहां से टिकट दी, भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने अपने पूर्व प्रत्याशी रमा शंकर पटेल को ही जगह दी है। ऐसे में क्या लगता है, क्या समीकरण यहाँ ध्रुवीकरण कैसे बने? देखिए नाम जरूर श्यामलाल है, नए कैंडिडेट हैं, लेकिन ये माना जाता है कि उनके पीछे रमाकांत तिवारी का वोट बैंक खड़ा नजर आ रहा है, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी ने वहां पर एक महिला प्रत्याशी गीता मांझी को अपना उम्मीदवार बनाया। गीता मांझी वहां पर से जनपद अध्यक्ष हैं, जनपद अध्यक्ष रहते क्षेत्र में उन्होंने काफी काम किया है, तो ये मान के आप चलिए कि त्योथर विधानसभा में भी संघर्ष त्रिकोणी ही नजर आ रहा है, कांग्रेस भी वहां पे कमजोर नहीं पड़ी, बिल्कुल त्रिकोणी नजर आ रहा है। अगर हम बात करें श्यामलाल द्विवेदी की तो प्रदेश में श्यामलाल द्विवेदी सबसे कम आय वाले मतलब सबसे गरीब प्रत्याशी के रूप में पहचान बना चुके हैं। उन्होंने जो नामांकन पत्र दाखिल किया उसमें अपनी आय जो दर्शाई है वो प्रदेश में सबसे अधिक कम है।
क्या लगता है कि श्यामलाल द्विवेदी जिस तरह से एक जमीन से जुड़े रहे और संघर्ष करते रहे, भारतीय जनता पार्टी ने उनको मौका दिया, मतलब ये बताने की कोशिश की कि अपने कार्यकर्ताओं को वो किसी भी पद और प्रत्याशी के रूप में उतार सकती है। निश्चित तौर पर रीवा जिले में 8 विधानसभा क्षेत्र, 8 में से ये एक चौथी विधानसभा जहां उन्होंने कार्यकर्ता को टिकट दिया है और उन्होंने ये बताने की कोशिश की है बीजेपी ने कि हम सब एक समान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। जिस तरह से भाजपा एक 5 लोगों से शुरू हुई, आज 5 करोड़ में पहुंच चुकी है, उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि हम हैं और इन्हें सामान्य कार्यकर्ताओं का भेजा और बिल्कुल सामान्य के तौर पर भेजिए, वो सब लोगों के बीच की बात जो है वो विधानसभा में रखेंगे। अगर हम बात करें मऊगंज विधानसभा की, तो मऊगंज विधानसभा सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट है। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने हमेशा जीत दर्ज की है। पिछले मर्तबा कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर फतह हासिल की, इसके पहले यह सीट बहुजन समाज पार्टी के कब्जे में थी। यहाँ से IMP वर्मा लगातार विजयी होते रहे। इस बार क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी एक तरफ, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना मजबूत प्रत्याशी प्रदीप पटेल के रूप में यहाँ पर उतारा है? बिल्कुल विजय जी, मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं, मऊगंज एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर मुकाबला बड़ा रोचक है। कई लोग ये दावे कर रहे हैं कि हम वहां पर चुनाव जीत रहे हैं। प्रदीप पटेल कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो मैं चुनाव जीत रहा हूं। मृगेंद्र सिंह कह रहे हैं कि मैं ठाकुर हूं, वो उसके नाते सुखेंद्र सिंह के आधे से ज्यादा वोट मैं काट लूंगा, प्लस बहुजन का वोट हमें मिलेगा, मैं चुनाव जीत रहा। सुखेंद्र सिंह कह रहे हैं कि मेरी साफ सुथरी छवि है, मैंने क्षेत्र में लगातार काम किया, जीवन संघर्ष रहा मेरा, तो मैं चुनाव जीत ही जाऊंगा। वहां पर और भी कई कैंडिडेट हैं वो जो लगातार अपने अपने जीत के दावे वहां पर वो लगातार कर रहे हैं और वहां पर ये मान के चल रहे हैं कि मैं ही चुनाव जीत रहा हूं। लक्ष्मण तिवारी जी हैं, बिल्कुल निर्दलीय हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं चुनाव जीत सकता हूं। अपना दल के वहां पर अमृतलाल जी हैं, वो कह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं चुनाव जीत रहा हूं। तो वहां पर कई लोग मऊगंज में काफी बातें हैं, कई पार्टियां वहां पर दमदारी से कह रही हैं हम चुनाव जीत रहे हैं। पर बसपा के जो मृगेंद्र सिंह है, लगातार 5 साल जनता के बीच में लगे रहे, भले ही कोई पद नहीं था उनके पास, इसका भी प्रभाव वहां पर पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जनता उन्हें देखिए, क्षेत्र से लगातार जुड़े रहने का कहीं ना कहीं किसी न किसी को फायदा तो मिलता। और सुखेंद्र सिंह मंदर जी जो युवा कार्यकर्ताओं के तौर पर कांग्रेस से गए थे, विधायक बने, तो उनकी भी एक बेहतर छवि है उनका। अगर हम मऊगंज विधानसभा सीट की बात करें, तो मऊगंज विधानसभा सीट एक ऐसी सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का अभी खाता नहीं खुल पाया है। लक्ष्मण तिवारी वहां से विजयी जरूर हुए थे, लेकिन लक्ष्मण तिवारी की जो सीट थी समाजवादी, माफ करिएगा, स्वर्ण समाजवादी पार्टी उन्होंने बनाई थी और उससे वो विजयी होकर विधानसभा में पहुंचे। उमा भारती के करीबी होने के चलते लक्ष्मण तिवारी बाद में भाजपा में शामिल हो गए और विधायक बने रहे, लेकिन पिछला चुनाव 2013 में वो हार गए और इसके बाद सुखेंद्र सिंह बन्ना ने वहां पर जीत दर्ज की। इस बार एक मजे की बात यह हो गई कि बहुजन समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे, पूर्व विधायक थे और उन्हें काफी लंबा राजनीतिक अनुभव रहा, IMP वर्मा भी कांग्रेस में शामिल हो गए और मऊगंज में वो काफी कद्दावर नेता माने जाते हैं। ऐसे में वहां पर क्या लगता है कि कांग्रेस भारी है? कांग्रेस ने एक सोची समझी थी राजनीति के तहत एक पहल करके IMP वर्मा को अपने पाले में लाने की कोशिश की है। उनका एक वोट बैंक था, कई बार वहां पर वो चुनाव भी जीत चुके थे। सुखेंद्र सिंह के साथ उनकी ट्यूनिंग अच्छी हो गई और वो लगातार सुखेंद्र सिंह के साथ मेहनत करके प्रचार कर रहे हैं और निश्चित रूप से वहां पर एक उन्होंने सुखेंद्र सिंह का जो वोट बैंक है उसको बढ़ाने का ही काम किया है। वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद पुनः वापस लौटते हैं, आप देखते रहिए रीवा दर्शन।
ब्रेक के बाद पुनः दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे विधानसभा चुनाव 2018। हम सभी दर्शकों से अपील करना चाहते हैं कि सभी मतदाता अपने घरों से निकलकर वोट डालने जरूर जाइए। यह आपके और आपके परिवार साथी आने वाले भविष्य को संवारने वाला वोट है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह मतदान सभी को एक अधिकार के रूप में मिलता है। इसकी कीमत अमूल्य है। यह आपके देश के विकास और आपके विकास समाज के विकास के लिए महत्वपूर्ण है।